एवरीवन, दिस इज प्रीति गुप्ता फ्रॉम एम्बे इंटरनेशनल स्कूल नयागांव कोटा। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर सेकंड इनक्रेडिबल इंडिया। सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर सेकंड इनक्रेडिबल इंडिया। कंसेप्ट मैपिंग, इंट्रोडक्शन, फिजिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, इंडिया की फिजिकल डाइवर्सिटी के बारे में हम पढ़ेंगे, लोकेशन ऑफ इंडिया, इंडिया की लोकेशन, लोकेशन ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में इंडिया की लोकेशन क्या है। थर्ड इज साइज ऑफ इंडिया, एक्सपेंस ऑफ इंडिया, इंडिया की साइज के बारे में पढ़ेंगे। फोर्थ पॉइंट इज पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का जो पॉलिटिकल डिवीजन है मींस हम 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन एक बात बता देना चाहूँगी कि रिसेंटली 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, द नदन माउंटेन्स, द नदन प्लेन्स, द वेस्टर्न डेजर्ट, द सदर्न प्लेट्यूज, द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड, ये सारे फिजिकल फीचर्स हैं इंडिया के, इनके बारे में हम रीड करेंगे। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट एंड डाइवर्स कंट्री, इंडिया एक लार्जेस्ट और डाइवर्स कंट्री है। फ्रॉम माउंटेन टू डेजर्ट, बीच टू प्लेट्यूज, या माउंटेन से लेकर डेजर्ट तक, बीच से लेकर प्लेट्यूज तक, इंडिया एंज�ॉयज डिफरेंट फिजिकल फीचर। इंडिया के जो फिजिकल फीचर्स है वह डिफरेंट डिफरेंट है। डिफरेंट क्लाइमेट एंड सीजन, यहाँ पर का जो क्लाइमेट है वो डिफरेंट है, सीजन डिफरेंट है, एंड अ ब्यूटिफुल एंड डाइवर्स कल्चर। और जिस तरह के इससे हम कह सकते हैं कि फिजिकल फीचर्स जब अलग अलग है तो यहाँ के कल्चर भी अलग अलग है। लेट अस लर्न मोर अबाउट आर इनक्रेडिबल इंडिया। तो स्टूडेंट, अब हम आगे और जानेंगे हमारे इंडिया की इनक्रेडिबिलिटी के बारे में। तो फर्स्ट पॉइंट इज लोकेशन ऑफ इंडिया, इंडिया की लोकेशन के बारे में हम जानेंगे। इंडिया लाइज इन द सदर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया एशिया कॉन्टिनेंट में है और यह सदर्न पार्ट में है, एशिया के सदर्न पार्ट में। इट इज़ सराउंडेड बाय द हिमालयाज इन द नॉर्थ, यह नॉर्थ में हिमालय से घिरा हुआ है। द इंडियन ओशियन इन द साउथ, और साउथ में इंडियन ओशियन से। एंड द अरेबियन इन द वेस्ट, वेस्ट में अरेबियन सी से। एंड द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल से। द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज सराउंडेड बाई वाटर ऑन थ्री साइड्स। जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमारे इंडिया की जो थ्री साइड्स है वह किससे घिरी हुई है, वाटर बॉडीज से। अ लैंड विच इज कवर्ड विद वाटर्स ऑन थ्री साइड इज नोन एज अ पेनिनसुला। और वह एरिया जो थ्री साइड से वाटर बॉडीज से घिरा होता है, सराउंडेड होता है, इट इज़ नोन एज पेनिनसुला, उसे पेनिनसुला के नाम से जाना जाता है। जैसा कि अभी मैंने बताया कि जो इंडिया है वो थ्री साइड से वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है, इसलिए हम इसे क्या कह सकते हैं, पेनिनसुला भी कह सकते हैं। इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट पेनिनसुला इन द वर्ल्ड, और इंडिया वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट पेनिनसुला है। बिसाइड द मेनलैंड, टू ग्रुप्स ऑफ आइलैंड इन द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल। मेनलैंड के अलावा टू ग्रुप्स ऑफ आइलैंड, आइलैंड के टू ग्रुप्स है, फर्स्ट इज अरेबियन सी एंड द सेकेंड इज बे ऑफ बंगाल। द आइलैंड इन द अरेबियन सी इज कॉल्ड द लक्षद्वीप आइलैंड, और द आइलैंड इन द अरेबियन सी आर कॉल्ड द लक्षद्वीप आइलैंड, द आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल आर कॉल्ड अंडमान एंड निकोबार, और बे ऑफ बंगाल आइलैंड को अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के नाम से जाना जाता है। इंडिया शेयर्स इट्स बाउंड्री विद 7 कंट्रीज। इंडिया अपनी जो बाउंड्री है, अपनी सीमा है, वो 7 कंट्रियों के साथ शेयर करता है। फर्स्ट इज पाकिस्तान, सेकेंड इज अफगानिस्तान, थर्ड इज चाइना, फोर्थ इज नेपाल, फिफ्थ इज बांग्लादेश, सिक्स्थ इज भूटान एंड लास्ट इज म्यांमार। टू द साउथ ऑफ इंडिया लाई इट्स टू आइलैंड नेबर्स, श्रीलंका एंड मालदीव्स। और इंडिया के दो आइलैंड नेबर्स है, फर्स्ट इज श्रीलंका एंड सेकेंड इज मालदीव्स। साइज ऑफ इंडिया, नाउ वी रीड अबाउट साइज ऑफ इंडिया। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, इंडिया एक विशाल देश है, वास्ट कंट्री है। इन टर्म्स ऑफ साइज, साइज के टर्म्स में भी, इट इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, और यह वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट कंट्री अकॉर्डिंग टू द साइज। इट एक्सटेंड्स अबाउट 3,214 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, या नॉर्थ से साउथ तक लगभग 3,240 किलोमीटर पर फैली हुई है। एंड अबाउट 2,933 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, और यह ईस्ट और वेस्ट में लगभग 2,933 किलोमीटर तक फैली हुई है। कन्याकुमारी फॉर्म द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ
द मैनलैंड ऑफ इंडिया, जो कन्याकुमारी है वो मैनलैंड का सदर्न टिप है। इंडिया पॉइंट इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया, और अंडमान एंड निकोबार द्वीप इंडिया का सदर्न मोस्ट टिप है। आर कंट्री हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन स्ट्रेचेस 6100 किलोमीटर ऑफ द मैनलैंड। इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वह लगभग 6100 किलोमीटर तक है। द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन इंक्लूडिंग द आइलैंड इन वेस्ट एंड ईस्ट इज अबाउट 7500 किलोमीटर इन लेंथ। द लेंथ फ्रंटियर ऑफ इंडिया इज अबाउट 15200 किलोमीटर्स। विद द पॉपुलेशन ऑफ ओवर 125 crores, इंडिया इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। यदि हम जनसंख्या की बात करें तो वर्ल्ड में जनसंख्या के हिसाब से भारत सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है आफ्टर चाइना, चाइना के बाद। पीपल फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, और जो यहाँ के लोग हैं वह अलग अलग रीजन्स में रहते हैं, और अलग अलग रीजन्स में रहने के कारण डिफरेंट लैंग्वेज, इनकी लैंग्वेज डिफरेंट है। फॉलो डिफरेंट कस्टम्स, अलग अलग कस्टम्स को फॉलो करते हैं। इनके जो रिलीजियंस हैं वो अलग अलग हैं, ट्रेडिशंस अलग अलग हैं। इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज डिफरेंस वी आर ऑल यूनाइटेड एज इंडियंस। इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बाद, इतनी सारी विभिन्नताएं होने के बाद, फिर भी हम एक हैं और हम एज ए इंडियंस कहलाते हैं। हम अलग अलग होने के बाद भी इंडियंस ये हैं, और यही हमारी स्पेशल फीचर है। नाउ वी रीड अबाउट पॉलिटिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया। अब हम इंडिया के पॉलिटिकल डिवीज़न के बारे में पढ़ेंगे। इंडिया हैज़ 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज। 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज, भारत की 29 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज है। तेलंगाना, झारखंड, उत्तराखंड एंड चंडीगढ़ आर सम न्यूली फॉर्म्ड स्टेट्स। देखिए, जो तेलंगाना, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, कुछ न्यूली फॉर्म्ड स्टेट्स है। देयर आर 8 स्टेट्स इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में लगभग 8 स्टेट्स है, आउट ऑफ विच 7 स्टेट्स आर टुगेदर कॉल्ड द 7 सिस्टर्स। और इनमें से जो 7 स्टेट्स है उनको मिलाकर 7 सिस्टर्स कहा जाता है। दे आर असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। इन सेवन स्टेट्स को हम एक साथ यदि प्रोनंशिएट करेंगे तो इट इज़ कॉल्ड 7 सिस्टर्स। यू कैन सी पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया ऑन दिस स्क्रीन। इट इज़ इंडियाज मैप एंड इट इज़ डिवाइडेड इनटू 29 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। और भारत की जो गवर्नमेंट है उसके दो फॉर्म है, फर्स्ट इज सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सेकेंड इज स्टेट गवर्नमेंट। द सेंट्रल गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर द एंटायर कंट्री, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वह एंटायर कंट्री की देखभाल करती है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। वाइल द स्टेट गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर ऑल द स्टेट्स, और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वह स्टेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। यूनियन टेरिटरी आर डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो यूनियन टेरिटरीज होती है वह डायरेक्ट कंट्रोल्ड होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। न्यू दिल्ली द कैपिटल ऑफ आर कंट्री, हमारी जो कंट्री है उसकी जो कैपिटल है न्यू दिल्ली है, इज यूनियन टेरिटरी विथ स्पेशल स्टेटस। इट इज जो न्यू दिल्ली है यह एक यूनियन टेरिटरी है। ऑफिशियली इट इज नोन एज द नेशनल कैपिटल, और इसको नेशनल कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। इट इज ज्वाइंटली गवर्न्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो दिल्ली है वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही वर्क करती है। नाउ वी रीड अबाउट पॉलिटिकल डिवीज़न। इंडिया का जो पॉलिटिकल डिवीज़न है, 29 स्टेट्स एंड देयर कैपिटल्स आर देयर एंड 9 यूनियन टेरिटरीज एंड देयर कैपिटल्स आर देयर। यू कैन सी इन दिस स्क्रीन एंड योर बुक। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, इन दिस पैराग्राफ वी रीड अबाउट फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इंडिया की फिजिकल फीचर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ड्यू टू इट्स वास्ट साइज, भारत की विशाल साइज, आर कंट्री हैज़ अ लार्ज वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म्स। हमारा जो भारत है वो अलग अलग लैंडफॉर्म्स में डिवाइड है, और फिजिकल फीचर अलग अलग फिजिकल फीचर्स में डिवाइड है, सच एज माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज, डेजर्ट एंड आइलैंड। और इसकी जो फिजिकल फीचर्स है वो कहीं माउंटेन्स है, कहीं पर प्लेन्स है, प्लेट्यूज है, डेजर्ट्स है एंड आइलैंड्स है।
ब्रॉडली इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग फिजिकल डिवीज़न, जो इंडिया है वह फॉलोइंग फिजिकल डिवीज़न में बटा हुआ है। फर्स्ट इज नदन माउंटेन्स, द हिमालयस, काराकोरम एंड पूर्वांचल रेंजेस फॉर्म द नदन बॉर्डर ऑफ इंडिया। जो हिमालयस, काराकोरम और पूर्वांचल या मिलकर नॉर्थन बॉर्डर बनाता है इंडिया के लिए, इट इज़ कॉल्ड द नदन माउंटेन्स। इन सबको मिलाकर हम कह सकते हैं द नदन माउंटेन्स। सेकेंड इज द नदन प्लेन्स, द फर्टाइल प्लेन्स ऑफ नॉर्थन इंडिया हैव मेनी रिवर्स फॉलोइंग थ्रू देम एंड आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फॉर्मिंग। फर्टाइल प्लेन्स ऑफ नदन इंडिया, नदन इंडिया की जो प्लेन है वो फर्टाइल प्लेन होती है। इंडिया हैव मेनी रिवर्स फॉलोइंग थ्रू देम, और इसमें बहुत सारी नदियाँ बहती हैं और इसी के कारण यहाँ की जो लैंड होती है वह काफ़ी फर्टाइल होती है। इट इज़ कॉल्ड द नदन प्लेन्स। थर्ड इज़ द वेस्टर्न डेजर्ट, द थार डेजर्ट ऑफ वेस्टर्न इंडिया सेपरेट्स द कंट्री फ्रॉम पाकिस्तान। और भारत का जो थार डेजर्ट है, डेजर्ट पार्ट है, इट इज़ कॉल्ड वेस्टर्न डेजर्ट, और यह हमारी कंट्री इंडिया को पाकिस्तान से सेपरेट करता है। नेक्स्ट इज द सदर्न प्लेट्यूज, प्लेट्यूज आर फ्लेट लैंडफॉर्म्स दैट आर रेज्ड इन हाइट फ्रॉम द सराउंडिंग स्लेट। जो प्लेट्यूज होते हैं वह आसपास से फ्लेट होते हैं लेकिन बीच से उठे हुए होते हैं। द ट्राइंगुलर प्लेट्यूज इन साउथर्न इंडिया आर अ रिच सोर्स ऑफ मिनरल्स। जो इंडिया के साउथ में प्लेट्यूज हैं वहाँ पर रिच मिनरल्स, बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। इट इज़ कॉल्ड रिच मिनरल्स एरियाज। लास्ट फीचर्स इज द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड्स। आर कंट्री हैज़ ए लॉन्ग कोस्ट लाइन स्ट्रेचिंग 6,100 किलोमीटर ऑफ द मेनलैंड। द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन इंक्लूडिंग द आइलैंड इन द वेस्ट एंड ईस्ट इज अबाउट 7,005 किलोमीटर। और कोस्ट लाइन और आइलैंड को मिलाकर वेस्ट से ईस्ट तक लगभग इसका जो साइज है वह है 7,500 किलोमीटर। आर लार्ज एंड पॉपुलस कंट्रीज ब्यूटिफुल नॉट ओनली इन इट्स वेरियस फिजिकल फीचर बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ इट्स रिच कल्चर एंड ट्रेडिशन। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारी जो भारत की खूबसूरती है वह इसके अलग अलग फिजिकल फीचर्स के कारण ही नहीं बल्कि हमारे ट्रेडिशन और कल्चर के कारण भी अपने आप में एक खूबसूरत देश है। थैंक यू, हैव अ नाइस।